सन 2000 के आसपास अमेरिका और कनाडा के जंगलों में नुकीली पत्ती वाले सदाबहार पेड़ जो हैं, जिनमें चीड़ आता है, देवदार की प्रजातियां आती हैं, सुरही की प्रजातियां आती हैं, क्रिसमस ट्री आता है, उनके पेड़ बड़ी संख्या में मारे जाने लगे। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो उन्हें पेड़ की छाल के अंदर चावल के दाने के बराबर आकार वाला ये बीटल कीड़ा दिखा। ये देखिए, इतना छोटा सा कीड़ा ये पेड़ों की बार्क के अंदर या छाल के अंदर घुसा और इसने वहाँ अंडे दिए, लार्वा पैदा हुए और उन्होंने पूरे पेड़ को इस ढंग से चट कर डाला। ये छाल के अंदर देखिए, ये पूरे बीटल के निशान है, वो किस ढंग से आगे बढ़ा। असल में पेड़ों की ये जो छाल होती है, इस ढंग के पेड़ों की, ये रेजिन पैदा करती है जिसे लीसा भी कहा जाता है। लीसा पेड़ों के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ये न तो पानी में घुलता है, साथ ही हवा के संपर्क में आने पर ये ठोस हो जाता है, तो पेड़ों की चोटियां भरता है। इसके अलावा ये पेड़ों के भीतर नमी भी बरकरार रखता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखे का दौर जो है वो लंबा होता जा रहा है, पेड़ों के पास पानी की कमी है और वो रेजिन यानी लीसा बहुत ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं, और लीसे की कमी होते ही पेड़ों के भीतर, छाल के भीतर बीटल घुसता है इन सुराखों से, इन छेदों से, और एक बार पेड़ों के की छाल के अंदर घुसने के बाद ये कीड़ा क्या करता है वो आप यहाँ देख ही रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बीटल ने किस ढंग से इस पेड़ को बर्बाद कर दिया। इसकी बार्क देखिए, पूरा ये जो है ये फफूंद लग गया है, पेड़ मर चुका है। यहाँ पे बिल्कुल रेजिन नहीं है, लीसा जो है वो बिल्कुल नहीं है, उसकी जगह पूरा पेड़ का जो सिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है, बुरादा बुरादा बन चुका है। अब यूरोप के भी 12 देशों में जो जंगल हैं, वहाँ जो माउंटेन पाइन है, वहाँ जो फिस्टे है, देवदार की एक प्रजाति, सुरही की जो प्रजाति है, क्रिसमस ट्री जिसे कहा जाता है, वो जो पेड़ हैं, उनको ये बीटल चट करता जा रहा है। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में पेड़ मारे जा रहे हैं। गनीमत है कि अभी तक का ये कीड़ा इस ढंग से कहर एशिया में नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर लंबे समय तक का सूखे का दौर चलता रहा, जंगलों में पानी की कमी होती रही, तो वहाँ पर भी देर सवेर इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। और भारत समेत एशिया के तमाम देशों में जो एक समृद्ध जंगल है, उसको ये कीड़ा चट कर सकता है।